सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करूँगा सारे लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरी यूट्यूब फैमिली सारी बढ़िया ही होगी। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं अपने हाईवे पे हाइपर राइड करने के लिए। तो गाइस, आज यहाँ पर हाइपर राइड होगी। तो गाइस, अभी हमने डिनर किया था डिनर। तो गाइस, वहाँ पर लड़की थी एक, भाई वो बार बार देख रही थी अपनों को, भाई ब्लॉग शूट नहीं कर पाए वहाँ पर। उसको आप रिएक्शन दिखाते, उसका भाई रिएक्शन ही खुश लगता। तो जैसा कि आज हम जा रहे हैं सुखाबाद बाइक देखने के लिए, और देखेंगे भाई कैसी क्या बाइक है, कितना क्या कीमत है उस बाइक का। बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए साथ। तो भाई बाइक अभी खींचते हैं, भगाते हैं यहाँ पर। भाई हाईवे पर बाइक ना भजाओ तो भाई मज़ा ही क्या है हाईवे पर आने के लिए। तो अपने अपने गाँव में भगा हुआ है। तो आज एक अपाचे पे बंदा साहब वो बोल रहा था, भाई मेरी वीडियो बना लो, भाई मेरे को भी कर दो सपोर्ट। तो जैसा ही गाइस वो बोल रहा था, बहुत मौज ले रहे हो। तो भाई मैंने पूछा, किस बात की मौज? तो भाई मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था, ब्लॉग शूट करता तो आपको उसका रिएक्शन दिखाता ही नहीं। देखो बाइक आ रही है, दिख नहीं रहा है, फिर बोलते हैं बाइकर की गलती है, देख रहे हो? फिर ये बोलेंगे बाइकर की गलती है। फिर तो भाई बाइक अभी भागना शुरू हो चुकी है अपनी। और गाइस देख गए भाई सांटा मारते हुए, इनको देखिए भाई रोड पे चढ़ा देते हैं गाइस। इनको कुछ कटी कट वगैरह नहीं मिल रहा है, बताओ इन्हें देखिए, देख रहे हो गाइस? उस देख रहे तो क्या इस बंदे को कैसा था भाई? वहाँ पर लिख रहा है धीरे चलिए। तो जैसा ही गाइस इनके नंबर प्लेट टूट गया, इनको पिलवा देते हैं हम। तीन तीन बंदे बैठे हुए हैं, मैं देखिए उल्टी साइड लेके आ रहे हैं। जैसे गाइस अपने बाल बहुत ही बड़े बड़े हो चुके हैं भाई, अभी हेलमेट के सामने वाइजर पे आ रहे हैं। कटाना चाहिए क्या नहीं आपको कमेंट में बताना। बस अभी हम आ चुके हैं सुखाबाद, और यहाँ पर देखते हैं भाई एजेंसी का बजाज की अपनी है जो उसकी आएगी भाई। फिर दोनों बाइक लेके जाएंगे लद्दाख, इसीलिए भाई बाइक निकाल रहे हैं भाई। सिंगल आदमी के लिए भाई लद्दाख जाना सेफ नहीं, इसीलिए भाई डबल आदमी जाएंगे लद्दाख। राजा डीसी भी डबल गया था भाई, एक राजा डीसी पर भाई भाई वो तीन लोग थे, राजा डीसी और उसका नाम क्या था यार पता नहीं। यहाँ पर देख लिया वो, देख रहे हो मैडम? तो क्या यहाँ पर रेड लाइट हो भाई तो भाई ठीक रहता है यहाँ पर, नहीं तो भाई ये तो जाम लगा देते हैं ऑटो वाले। फिर देखिए बंदे के लिए निकलने के लिए भी जगह नहीं है, ये बस वाले सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं भाई, खींचते हैं भी। भाई बजाज की सेल मेरे को दिख चुकी है। बस सामने देख रहे हो बंदे को, खुली तो है भाई। चलिए भाई, अभी बाजार के शोरूम पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर चलते हैं ऊपर की साइड। ये देख रहे हो भाई, हम बाजार के शोरूम आ चुके हैं और चलते हैं भाई अंदर, भाई देखते हैं भाई क्या ही। तो जैसा कि आज वहाँ पे भाई प्राइस बहुत ही ज़्यादा थे भाई मेरे यहाँ से, भाई मेरे यहाँ पे तब भी भाई प्राइस ठीक थे, पर यहाँ पर गाइस भाई क्या ही बताऊँ भाई इतने भाई N160 भाई उसका प्राइस बताया था 160 के करीबन लगभग। भाई
आरएस की पूछी तो गाइस आरएस ये अपनी, ये देखिए मैडम जी कहाँ पे जा रही हैं अपने आसिफ के साथ। बस आरएस की पूछी तो गाइस आरएस थी 2-6 की भाई। आरएस तो कहीं तक चलो मानते हैं, तब भी भाई आरएस के 20,000 रुपये बहुत ही ज़्यादा हैं, तब भी ज़्यादा बता रहे भाई। एक जगह और मैंने पूछा था वहाँ पर तो भाई अभी प्लान बनता है तब देखेंगे। इन्हें देख लिया मैडम जी को, देखिए मैडम जी फ़ोन पे बात लगी हुई हैं अभी, अभी वो कहीं पर भी नहीं देख रही हैं गाइस। तो जैसा ही गाइस मैडम जी फ़ोन पे लगी हुई थी, और आज अभी हम बाइक भगाते हैं और लगाते हैं अपने हेलमेट को वाइज़र, मिलते हैं। तो जैसा ही गाइस मैंने अपने हेलमेट को वाइज़र लगा लिया, ये देखिए भाई पेट्रोल के लिए, स्प्लेंडर के लिए पेट्रोल नहीं पूछ रहे भाई, क्या करेंगे भाई ज़िंदगी में भाई, आप बताओ। तो आज एक शोरूम पर जाएंगे भाई कल, तो आपको भाई वीडियो देखना मत भूलना भाई, कल की वीडियो आएगी। इसको देख रहे हो गाइस, अबे साले क्या कर रहा है, फिर देखिए भाई चल कौन सी भाई थल्लान में चल रहे हो भाई, इंटीग्रेट पर काम कर दे रहे हैं भाई। मैडम जी एकदम क्यूट लग रही हैं गाइस, कुछ हो चाहना हो बस बताते हैं बाइक। भाई फूल भी नहीं अपनी बाइक में यार, भाई ऐसा दिमाग ख़राब रहता है भाई, क्या ही बताएं सारे लोगों को। भाई वो पता है एनएस का माइलेज कितना बता रहे थे भाई, करीबन 60 के करीबन देती होगी माइलेज। तो मैंने फिर उससे कंपनी वाले से बोला, फिर गाइस वो बहस करने लगा, मैंने बोला मैंने अपनी एनएस से वाइस कितने का निकाला, मैंने अपनी एनएस से वाइस 35 का एवरेज निकाला है भाई, मैं कैसे मान लूँ भाई, भाई 40-45 का बड़ी मुश्किल में देती होगी भाई, 60 का तो स्प्लेंडर भी नहीं दे रही माइलेज, तो वो ही देगी भाई, जितना कंपनी वाले बताते हैं ना उतना बता के मैंने सोच लिया है। बस आप अब शुरू हो चुकी अपनी हाइपर राइड भाई, देख रहे हो बाइक तेरी फोटो देख वे को इसका चल रहा हूँ सीधो आप भाई। यूपी 32 भाई लखनऊ के आ चुके हैं ये भाई, हॉर्न कौन सा लगाया हुआ है पुलिस वाला, ये देखो छपरी राटे जा रहा है ये यूपी 75 भाई, छपरी राट भैन जो इसको चेक कर छपरी राट जो भाई ऐसा भैन पटोर भाई, चूतिया बना रखा है भाई, जो बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ है ना वो तो बहुत ही भक्का है भाई, अब बाइक चला कैसे रहा है भाई, अपनी तो भाई हाइपर राइड यही होती है। और जो गाइस भाई ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, बाइक पर राइड वगैरह करते हैं, वो सेफ्टी से किया जाए भाई, सेफ्टी हर बंदे के लिए ज़रूरी भाई, मेरे के लिए सेफ्टी ज़रूरी है। देखिए मैडम जी तो गाइस अपनी बाइक ज़्यादा भागती नहीं है जितनी भी है, और भाई इनको देखिए इनका तो चालान जरूर कटेगा, बहन जो 3-3 लदे हुए हैं बाइक पर भाई, रोडों पर भी रंडीबाजी सतरी होती है ना,
हैं तो वैसे रंडीवाजी करते हैं रोड पर भी, क्या ही बताएं आप लोगों को। तो जैसा यार अभी हम थोड़ी बहुत दूर और रह चुके हैं घर पे जाने के लिए, तो ऐसा अभी चलते हैं इनके बगल से बाइक निकालेंगे, इनका रिएक्शन चेक कर रहे हैं आप लोग। भाई ये चेक करते हैं बाइक आ रही है क्या, हेलीकॉप्टर आ रहा है, पर इनको पूछा कहाँ जाए। भाई हम बाइक राइडर प्रो राइडर हैं भाई, प्रो राइडर 1000 का तो एक्सीडेंट हो चुका था, आप कौन हैं भाई, बाइकर की ज़िंदगी कैसी होती है कौन जाने। बस यहाँ पर पंगा तो हुआ, ये देखिए इनको देखिए, देख रहे हो इनको, देखिए मैडम जी को अभी भी दिख नहीं रहा है। अरे गाइस, अरे भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भाई दिक्कत होती है बंदों को बाइक निकालने में और ले आने में। भाई अभी ये फ्लाईओवर बन रहा है इसकी वजह से, चेकआउट कर रहे हो क्रेन वगैरह। तो जैसा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, होप करूँगा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सेफ्टी रूल, सेफ्टी बाइक। भाई चलते मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, आज के लिए जय हो, बाय बाय, टाटा बन के सब्सक्राइब जल्दी से कंप्लीट करा दो अपने गाइस, बाय बाय।